हेलो, गुड मॉर्निंग एंड राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। फिर भी एज ए मेमोरी कैप्चर करना तो बनता है। एंड मेरा तो लाइफ क्या बोलूँ, कभी गुवाहाटी, कभी ससुराल, कभी मायका, कभी यहाँ ये वाला घर, रेंटेड वाला हाउस जो तेजपुर में है, तो इधर उधर भटक रही हूँ। लेकिन फाइनली अभी अद्दू को स्कूल देने का टाइम हो गया है, तो आज क्योंकि टबल का भी ड्यूटी तेजपुर में ही है, तो हमने सोचा है कि आज हम स्कूल फाइनल देख लेंगे। तो कौन सा पसंद आएगा एडमिशन तो बाद में मैं अकेले जाके भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, यहाँ पे आपको मैं किचन में हूँ बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा बेटर आता है, मतलब डे लाइट जो है वो अच्छे से आता है। एंड हम लोग सब रेडी हो गए हैं, चलते हैं, देखते हैं। ज़्यादा दूर नहीं दूंगी, ज़्यादा स्कूल का मेरा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट डिमांड नहीं है, बस हाइजीन हो, साफ हो एंड नियर बाय हो, क्योंकि रहना मुझे अकेले है तो मेरा कन्वीनियंट हो कि लेके आना जाना में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, उतना ही है। छोटा बच्चा स्कूल जाने को जस्ट सीखना है उसको अभी, कि वो एक रूटीन बनाना है, अदरवाइज तो पढ़ाना तो मेरा ही काम है, मैं घर पे उसको देख ही दूंगी। एंड वो नर्सरी का तो अद्दू को पता है, इतना मैं बाद में क्या करेगा नहीं पता। अभी तो मुझे ऐसा है कि नर्सरी के लिए अद्दू को टेंशन नहीं है। एंड वो भी अभी थोड़ा एक्साइटेड है कि पढ़ाई करने जाएगा स्कूल बोल के। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्कूल हम फाइनल करते हैं, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है बाप बेटे रेडी, अदू स्कूल जाने के लिए घूस उसको बैलून देना पड़ा। ये लो, अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। सबसे पहले हम एक भाभी के घर जा रहे हैं, हम लोग घर के पीछे तरफ नहीं रहती, उनका बाइक हम बोरो करेंगे एंड फिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रैकर वगैरह में झड़ को लगता है, ट्रैकर वगैरह में थोड़ा अद्दू को लेके यहाँ नामो वहाँ नामो, तो दो ही स्कूल देखना है, तो भाभी का जो बाइक है वो लेके जाएंगे हम। तो हम लोग ने ले लिया है, हम लोग ने ले लिया है। भगवान जी, ये बीच में रोका ना मत, मतलब क्या है ना, भैया का जो बाइक है वो थोड़ा पुराना बाइक है, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पुराना है, रुको इसमें वो नया गाड़ी का ऐसा ओवरटेक मत करो। तो तपन का आधा छूट गया है सेल्फ ड्राइविंग, सेल्फ स्टार्ट करने वाला बाइक चला चला के। आज किक के किक मार के तो चलाया, फिर जैसे ही हॉर्न बजाया हाथ तो उसके पागल हो गया, पूरा हॉर्न बजा था एक बार। सो ये पहला स्कूल था जो हम अद्विक के लिए देखने के लिए गए थे, क्योंकि मेरे आसपास में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये स्कूल सजेस्ट किया था कि सिंपल में अच्छा ये करके, तो हम देखने के लिए गए थे। एंड अद्दू स्कूल देख के इतना एक्साइटेड हो गया था, जाके प्रिंसिपल मैम से पेपर मांगा, कलर मांगा, पेन मांगा, देन जाके वो डेस्क बेंच में खुद उसने अपना सीट चूज़ किया एंड जाके बैठ गया था। तो मुझे अच्छा लगा कि उसको स्कूल देख के वो पसंद आया, ऐसा नहीं कि डरा है, नर्वस वैसा कुछ नहीं था। एंड ये था नर्सरी क्लासेस, बट इस स्कूल का मुझे मतलब जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा नहीं लगा। एंड उसके बाद तपन का ऑफिस का टाइम भी हो गया था, तो इसलिए हम लोग वापस घर आ गए थे, तपन को खाना खाने के लिए दिया। एंड देखो अद्विक कितना डिस्टर्ब करता है तपन को यहाँ पे, जब भी वो अपने पापा को मिलता है ना, उसका एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही हो जाता है। ये सब चीज़ वो मेरे साथ नहीं करता, लेकिन तपन के साथ वो बहुत कुछ करते हैं शांति से, ना ही वो खा पाते हैं, ना ही वो बैठ पाते हैं, कभी हाथी घोड़ा बनते रहना होता है उनको। सो आज है डे टू एंड अद्दू कहाँ जाएगा, तुम तो मुन्ना घर ही जाओ, जहाँ भी जाओ मुन्ना घर ही होता है इसका। तो आज है डे टू, मैंने सेम कपड़ा पहना है, क्योंकि कल बस एक ही स्कूल गए थे थोड़ा देर के लिए था, अभी तो गंदा का हो गया था, अपन भी ड्यूटी गए थे तो वो दोनों ने चेंज किया, मैं सेम ही हूँ। तो आज दूसरा एक स्कूल देखूँगी, क्योंकि कल का वाला मुझे इतना वाव नहीं लगा, तो अगर ऑप्शन है तो हम लोग ने सोचा कि एक दो और देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग का यहाँ पर सवारी तो है नहीं, प्लेन जा रहा है। एंटर करते ही झूला, पहले आ जाओ अंदर आ जाओ, हाँ घर नहीं जाएगा तूल, चलो बाहर कल आएगा, बोला बोले ऑन पेशन बेटा, चलो चलो घर जाएगा अभी। सो हेलो, राम राम, गुड इवनिंग। अभी हम लोग स्कूल स्कूल देख के तो जल्दी आ गए थे, आज भी एक ही देखा और एक है तो इसी में दे देंगे शायद, ऐसा डिसाइडेड है अभी तक। तपन मेरे पति देव जी ड्यूटी गए हुए थे, अभी आ गए हैं, तो एक्चुअली मैं कुछ बना रही थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कैप्चर किया जाए। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स, उसको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है एंड यहाँ पर कढ़ाई भी मैंने बिठा दिया है, इधर प्रिपरेशन सारे हो गए हैं, वेजेस जितने मुझे चाहिए थे दे दिया है। यहाँ पे सॉसेस है, मतलब विनेगर है, ये क्या सोया सॉस है,
ये सेज़वान है एंड टमाटो केचप है, इतना ही काफ़ी है। एंड ये रात का प्रिपरेशन है, ये गाजर। एंड यहाँ पे देखो, मैंने आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ बीट का रोटी या पराठा टाइप कुछ बनाऊँगी। पूरी नहीं बनाऊँगी, पूरी में बहुत ज़्यादा तेल चला जाता है, तो हेल्दी कुछ रोटी टाइप का इससे बनाने वाली हूँ। एंड उसमें मैं मिक्स करूँगी जो मैंने आज एक सीड वाला पाउडर बनाया है, मिक्सचर बनाया है। इसमें मैंने पम्पकिन सीड दिया है, फ्लैक्स सीड दिया है, आज कुछ मिक्स सीड थे वो सबको ड्राई रोस्ट करके फिर इसमें मैंने करके रखा है। तो ये भी मैं 2 चम्मच दे दूँगी, तो सबके पेट में थोड़ा थोड़ा चीज़ अच्छा चला जाए। ये सब चीज़ क्या है ना, कलेक्ट हम कर लेते हैं, लेना है ले लेते हैं, लेकिन यूज़ वो दिन नहीं आता है खाने का, तो वही है। तो मैं बना रही हूँ, कैसे क्या बनाऊँगी आपको तो मैंने बहुत बार दिखाया है चाउमीन बनाते हुए, तो इससे रेसिपी टाइप का नहीं होगा, बस बना रहे हैं। अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। आँख पर डार्क सर्कल जैसा हुआ, काजल लगाया था, तो ससुराल से बुलावा है, पूजा है, बाबा के नाम पे पूजा कर रहा है। एंड बाबा के बारे में भी बहुत लंबा चौड़ा मुझे आपको बताना है, हमारा लाइफ में कितना उथल पुथल चल रहा था, हम लोग का दिमाग काम करना बंद हो गया था, हम लोग अलग ही जोन में थे, तो अभी जस्ट थोड़ा नॉर्मल हुए हैं। तो बाबा के नाम पे एक पूजा है एंड कीर्तन है, तो वो सब करने के लिए मुझे फिर से ससुराल जाना है, तो जाऊँगी 1 वीक फिर वहाँ पर रह के फिर आऊँगी, एंड तब तक शायद अनवी का स्कूल भी खुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी बाद में। कढ़ाई गर्म हो गया, सो यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के भी रख दिया था, थोड़ा मेहनत लगा गूंथने के लिए। एंड हमेशा की तरह मैंने सिर्फ इतना ही वीडियो किया, इसके बाद वाला वीडियो मैं करना ही भूल गई थी। माय गॉड, आज हम लोग ये शाम का वीडियो था, तपन जा चुके हैं गुवाहाटी, अभी मैं और अद्विक ही हैं, तो अद्विक थोड़ा यहाँ पे चिड़चिड़ा हो रहा था। क्यों गंदा, हम तो पूरा सफा करके रखा है। हाँ, ये टीवी क्या हो गया, ये टीवी क्या हुआ, ये टूट गया। कहाँ टूटा है, ये बाथरूम में टूटा, ये बाथरूम गए नहीं टीवी। दरवाजा ऑफ कर लो, ऑफ कैसे कर दो, मुंह देखो मामा दो दो नहीं, मैं दुले पाए क्या कर रहे, व्हाट इज दिस। अच्छा ठीक है माया करो माँ को कैसे प्लीज बोलते है ना। हाँ हाँ क्या बोला है, कैसे बोला, अच्छे से बोला है नहीं, अच्छे से बोला, सुना दो ऐसे बोला। Hey guys, Hey guys, मैं ऊपर जाऊंगा टीवी देखूंगा, टीवी में दीदी दादा घर जाएगा, उसके बाद टीवी में क्या देखेगा, दो डायनासोर कैसे कहते हैं, रोर करता है, और डायनासोर का नाम क्या था, और ब्रेटियोसॉरस, और डायनासोरस अभी सर मैं स्कूल जाएगा, हाँ मजा आएगा ना, स्कूल में क्या करेगा, मोटर बाइक चलाएगा, ये मेरा बेटा, मेरा गुंडा बेटा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये कुछ दिन बाद वाला वीडियो मैं कर रही हूँ, मतलब अद्दू का स्कूल का खबर वबर लेने के बाद हम लोग ने बीच में ब्रेक ले लिया था, घर गए हुए थे, गांव गए हुए थे, तो साइड हो अद्दू, साइड में आ जाओ, साइड आ जाओ, स्कूटी आ रहा है। बात आज मैं अद्विक का एडमिशन करने के लिए जा रही हूँ, फ़ोन में बात हो चुका है प्रिंसिपल से, तो आज जाके फाइनली एडमिशन कर दूंगी मैं। आज भी वाइट ही पहना लेकिन दूसरा टी शर्ट पहना है, अद्दू यहाँ पर रेडी है, सुबह उठ के घर का काम वाम कर लिया, पूजा कर लिया, अद्दू ने पूजा बोला, थैंक यू भगवान जी ना, अद्दू क्या बोला भगवान जी को, क्या बोला, नमस्ते हाँ नमस्ते बोला, एंड थैंक यू बोला, हाँ तो वही है, अभी जा रही हूँ मैं, एडमिशन करा दूंगी, एंड इसके बाद शायद मैं वही वीडियो बनाऊंगी जिस दिन को मैं अद्विक को लेके स्कूल छोड़ने जाऊंगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट। अद्विक अभी बिल्कुल एक्साइटेड है, वो बोल रहा है क्या, हाथ पकड़ना है, अच्छा अद्दू बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, वो बोलते हैं वहाँ पे मोटर बाइक्स है, ट्रक है,
बॉल है तो वो खेलने के लिए अभी तो फिलहाल तक एक्साइटेड है, लेकिन उस दिन को मैं देखूंगी फाइनल डे कि वो रोता है कि नहीं या फिर क्या करता है। तो चलिए हम स्कूल एडमिशन करके आ गए हैं। तो कैसा लगा स्कूल? मजा आ गया। मजा आया? क्या किया स्कूल में? टीवी आ गया। हाँ? क्या लगा दिया? ब्रश। क्या है ब्रश? कलर बना, टावर बना दिया। ओके, और क्या किया? मैं ये हैप्पी बर्थडे टू यू केक बना दिया। अच्छा, टावर 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 करके हैप्पी बर्थडे टू यू केक बना दिया। और क्या किया? वेरी गुड। मजा आया? मजा आया? अभी तो मजा आएगा, जब पढ़ाई शुरू होगा तब भी पता चलेगा, है ना। अच्छा, अभी को एक गिफ्ट मिला है। ये गिफ्ट स्कूल की तरफ से, मतलब एडमिशन हो गया तो उसको एक गिफ्ट देके भेजा है। दिखाती हूँ आपको क्या है इसमें। सो अभी को गिफ्ट में ये मिला है, ये स्पॉन्ज का ये क्यूब है। इसके साथ इसको मिला है ये, तो इसको बोला है कि लाइन से रखने के लिए एंड ये क्यूब को ऐसा फेंकने के लिए। फिर कौन सा कलर आएगा वो कलर का उसको फ्रूट्स का नेम, वेजिटेबल्स का नेम, ऐसे बोलने के लिए साथ में ये चार्ट दिया है। चलो ठीक ही है, बच्चे को थोड़ा बिजी करने के, लेकिन कितना दिन खेलेगा वो देखती हूँ मैं। आज सुबह का मैं बताती हूँ, आज सुबह को मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस थी अद्वी से, अद्वी को तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है, तो काम भी कर रही हूँ, घड़ी भी देख रही हूँ, एंड ऐसा था कि आज कुछ स्पेशल डे है ऐसा वाला मन में फील आ रहा था। तो बच्चा का माँ बन के आ भी दो स्कूल भी जाएगा, माई गॉड इतना जल्दी टाइम चला जाता है। एंड बहुत कुछ कुछ छोटा छोटा फील है, फीलिंग्स है, बहुत ही अलग है। छोटा छोटा चीज अगर अद्विक पांच बच्चों के सामने कुछ वो अच्छा चीज़ करता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। तो माँ बनने के बाद ये सब चीज़ लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं। एंड अभी से मुझे बेचारा ये नर्सरी में है, अभी नर्सरी में इसको दिया है टिफिन, तो बहुत लाइट देने से भी हो जाएगा, बट मेरा दिमाग में बहुत चल रहा है कि मैं उसको क्या दे सकती हूँ, क्या थोड़ा होममेड थोड़ा अच्छा बना के दे सकती हूँ, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। तो यही है। तो एंड ना बहुत कुछ अद्विक बोलने लगा है, मतलब ये बड़ा होते जा रहा है ना, इसका मतलब जो बात करने का तरीका है, पहले तो तोता तोता थोड़ा थोड़ा बोलता था, अभी बहुत कुछ बोलता है, मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि आजकल आप अद्विक का वीडियो नहीं बनाती हो। अभी क्या है ना, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, बहुत बिजी भी हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ टेंशन, कभी कुछ ज़्यादा ही फुर्ती, कभी लोगों के साथ, कभी ऐसे ही चल रहा है। एंड कोशिश करूँगी अद्वि का कुछ मोमेंट कैप्चर करने के लिए, एंड कोशिश करूँगी फिर से ब्लॉग बनाने के लिए, फिर से कुछ अपने आप को ये इसमें लाने के लिए। वैसे कुछ ब्लॉग पेंडिंग भी है जो मैंने एडिट ही नहीं किया, टच ही नहीं किया है ड्यू टू मैनी रीजन्स, आपको बता दिया है। तो चलिए ये वीडियो को मैं अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, सी यू।